तो चलिए दोस्तों, तो आज हम एक आरसी कार पर काम कर रहे हैं और जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने इसका फ्रेम और ये सारा मोटर सेटअप कर लिया है। तो अब देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ये लेफ्ट राइट होगा, ठीक है। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि मैं इसे इस ट्रांसमीटर से कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे पास मोटर है वो हमारे पास ये मोटर है डीसी वाले। हम इस मोटर का यूज़ नहीं करेंगे, हम इस मोटर का यूज़ करेंगे। तो इस ट्रांसमीटर से इस मोटर को कैसे चलाएंगे, तो आज हम मेन चीज़ उसके बारे में समझने वाले हैं। तो ये मोटर कैसे रन करेगी इस ट्रांसमीटर से। तो इस ट्रांसमीटर से इस मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक मोटर ड्राइवर बनाना होगा जो कि इस मोटर का लोड ले सके। तो अब मोटर ड्राइवर हम ऐसा बनाएंगे जो हाई एम्पियर का हो, तो हाई एम्पियर का मोटर ड्राइवर बनाएंगे और फिर उसे इस ट्रांसमीटर से कंट्रोल कराएंगे। तो ये ट्रांसमीटर का जो रिसीवर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ रिसीवर है जो PWM सिग्नल जनरेट करता है। मैं इसका आर को इधर रख देता हूँ साइड में। तो PWM सिग्नल में क्या होता है कि इसका आउटपुट निकालने के लिए हमें पॉजिटिव, क्योंकि हमारी जो ये मोटर है वो सिंगल आउटपुट से चलती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से चलेगी। तो अब हमें इसे इससे कंट्रोल कराना है, तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें स्विचिंग सिस्टम बनाना होगा। तो अभी आप देख लीजिए, जैसा कि अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो अभी मैंने हमारे ट्रांसमीटर को ऑन कर दिया, देख लीजिए रिसीवर में लाइट जल रही है हमारे। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो हमारी ये मोटर इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो जब भी मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो ये वर्क करती है। तो ऐसे ही हम लेफ्ट राइट की मोटर को, हम जो इसमें मोटर लगी हुई है उसे कंट्रोल करा लेंगे। लेकिन अब हमें ये मोटर कैसे रन होगी तो वो चीज़ें समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक मैग्नेट ली, उस मैग्नेट को इस पर चिपका दिया। फिर मैग्नेट को चिपकाने के बाद में हम क्या करेंगे कि हॉल सेंसर, जो कि हॉल सेंसर होता है, इसे लेंगे। इसे क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें एक स्विचिंग सप्लाई बनानी है। तो स्विचिंग सप्लाई किस तरीके से बनेगी, यदि आपने हॉल सेंसर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप आगे वीडियो में जाके देख सकते हो। हॉल सेंसर मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो हॉल सेंसर को आप समझ सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दूँगा हॉल सेंसर को, ठीक है। और इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब भी आप देख लीजिए, इस हॉल सेंसर के पास ये मैग्नेट आती है तो ये हमें एक आउटपुट देता है। तो अभी मैं इसे क्या है, इस जगह पे फिट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसे चिपका देंगे। फिर जब भी मैं इसे इस जगह पर लाऊंगा, देखिए इस जगह पे लेके आऊंगा, तो ये हमारा ऑल सेंसर वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमें एक आउटपुट दे रहा है, इस आउटपुट का मोटर ड्राइवर जो हम बनाएंगे उसके अंदर देंगे। देख लीजिए, मैंने जैसे इसके पास किया, अभी मुझे इसे इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। देख लीजिए, जब भी मैं इधर लाऊंगा, सेम ऐसा ही हॉल सेंसर हम दूसरी साइड भी लगाएंगे, जिससे जैसे ही इसके पास मैग्नेट आएगा तो ये हमें एक आउटपुट देगा और इस आउटपुट से ये मोटर कंट्रोल होगी। तो पूरा सर्किट किस तरीके से बना रहे, तो मैं आपको सारा कुछ डायग्राम दिखाऊंगा और सर्किट दिखाऊंगा। तो अब हम समझेंगे आगे। तो सर्किट का बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि सर्किट किस तरीके से काम करता है। तो अब मैंने इस सर्किट को डिजाइन कर दिया है, तो मैं पहले आपको इस सर्किट के बारे में बता देता हूँ। देख लीजिए, पहले इसके वायर निकाल देता हूँ इसमें से और इस सर्किट के आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सर्किट है कुछ इस टाइप से। तो मैंने इसमें दो हॉल सेंसर लगा दिए हैं, जिससे क्या होगा कि जब ये लेफ्ट और राइट होगा तो इन दोनों सिग्नल मिलेंगे, इन दोनों को क्या एक सिग्नल मिलेंगे मैग्नेट के द्वारा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो ये हमारा मोटर ड्राइवर सेक्शन है, ये हमारी जो डीसी मोटर है इसको कंट्रोल करेगा। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया है कि दो आईसी लगाई हैं 7805, जो कि 12 वोल्ट को, यहाँ से हम 12 वोल्ट इनपुट करेंगे तो 12 वोल्ट को ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी। और 5 वोल्ट से हम ये वाली पिन जो है रिसीवर के लिए लगाई गई है, और ये वाली पिन हमारे जो चैनल हम ऑपरेट कराएंगे इस मोटर को चलाने के लिए उसमें लगेगा। तो चलिए मैं पहले आपको एक बार इससे रन करा के दिखाता हूँ। तो मैं एक लिथियम आयन सेल की बैटरी ले लेता हूँ, ये 12 वोल्ट की बैटरी 3S बैटरी है, तो भी मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देख लीजिए मैंने क्या किया कि अब इसको कनेक्टर हम बाद में लगाएंगे, अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। देख लीजिए बैटरी लगा दी हमने, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस वायर को इस रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देंगे। किसी भी पिन में कर लीजिए, अब मैं पिन नंबर 3 में कर रहा हूँ इसको। देख लीजिए रिसीवर की लाइट जलने लगी हमारी,
और फिर उसके बाद में हम इसे जिस भी सिग्नल में डालेंगे, देखिए अभी मैं इसे 3 में डालने की कोशिश करता हूँ, 2 में डाल रहा हूँ, ठीक है, चैनल नंबर 2 में मैंने इसे सेट कर दिया। अब मैं इस ट्रांसमीटर को ऑन कर दिया हूँ और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब देख लीजिए, जब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए प्रॉपर हमारी काम कर रही है। मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ बिल्कुल पास से, अभी हम पास से देखेंगे इसका डेमोंस्ट्रेशन। देखिए बिल्कुल, देखिए जब भी मैं ऊपर करता हूँ तो इस जो ये हमारा हॉल सेंसर है, इससे एक सिग्नल जाता है मोटर ड्राइवर को, और मोटर ड्राइवर हमारा क्या करता है कि मोटर को ऑन करने का कार्य करता है। तो 1 किलोमीटर तक हम इसे कंट्रोल कर पा सकते हैं। तो अब हमने ये आसानी से बना लिया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अब इसके डायग्राम पे हम बात करेंगे, ठीक है, देख लीजिए अभी आप। अब हम इसका जो हमारा ये सिस्टम है इसमें इसे लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी इसे हटा लेते हैं और इसे भी हटा लेते हैं और इसे भी हटा लेते हैं। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस मोटर को कंट्रोल कर लिया इसके साथ। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसके डायग्राम को समझिए किस तरीके से हमने पूरा सिस्टम बनाया।